बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद के पास कल रात से गंदा पानी बह रहा है। ये गंदा पानी की प्रॉब्लम 8 दिन 15 दिन में स्टार्ट हो जाती है। गंदे पानी की वजह से मस्जिद की एक गेट बंद कर दी गई है, दूसरे गेट से जाना आना पड़ रहा है। मुसल्लियों को काफी परेशानी हो रही है और कारोबार करने वाले भी बहुत परेशान हैं। एक तो कारोबार कम है, फिर ये गंदे पानी की वजह से कोई कस्टमर रुकने को तैयार नहीं। ये एरिया एमएलए राजा सिंह का एरिया है। कॉरपोरेटर की जिम्मेदारी है कि ये सब काम कराएं और आवाम के मसाइल को हल करें। इलेक्शन के वक्त बड़े बड़े वादे करते हैं और काम के टाइम सब गायब हो जाते हैं। आइए नाज़रीन देखें हमारे नुमाइंदे अब्दुल रऊफ की रिपोर्ट। ये अफजलगंज एरिया है, ये अफजलगंज के हैदराबाद की मशहूर मस्जिद मस्जिद अफजलगंज, इसके अतराफ में जो मोरियों का पानी बह रहा ये पीएस तक चलेगा है, अफजलगंज पीएस तक चलेगा। और बहुत तकलीफ है मुसल्लियों को, नमाज़ पढ़ने वालों को, हर 8 दिन हर 4 दिन को पानी बहना शुरू होता, ये मोरी का कोई मसला हल नहीं हो रहा। एरिया के एमएलए राजा सिंह है, ये हर 8 दिन को ये पानी का बहुत मोरियों के गंदी बदबू मछलियों के लिए बहुत तकलीफ है, बेइंतहा तकलीफ है। हाँ हेलो भाई, यहाँ पे मोरी का पानी पूरा है, हर 15 दिन महीने में बहते रहता, कोई देखने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। बल्लिया वाले आते साफ करते चले जाते, फिर वो गंदगी पूरी वैसी रहती बहती हुई, पूरा मस्जिद के लोगों को नमाज को जाने के लिए है ना तकलीफ़ हो रही है। इतने वक्त है ना कंप्लेन करे बोले मगर कोई एक्शन ले रहा नहीं, ना कोई है ना ड्रेनेज के लिए कोई पाइपिंग बड़ी कर रहा नहीं, पूरा वो होटलों का उस्मानिया हॉस्पिटल का पूरा पानी इधर से बह के जाते रहता। बोलिए, इतनी गंदगी रहती है, ये हफ्ते में जो है सो 2 वक्त मोरी भरते रहती। ये उस्मानिया का है और बाजू के सागर दर्शनी है, वो नए मेनोला आने से पहले ये बीमारी नहीं थी साहब, ये अब इतनी बीमारी हो गई है, कस्टमर आना बोले तो मुश्किल हो जा रहा साहब। थोड़ा ज़रा गवर्नमेंट तवज्जो दे, देखे ज़रा रोडों पे पानी ऐसा जमा हो तो पब्लिक कहाँ से जाएंगी, रोड पे से जा रही पब्लिक, एक्सीडेंट ना होते कैसा होगा बताइए आप। मोरियाँ जो है सो पूरे भर के चले जाते, बाजुक मस्जिद है, नमाज को जाने के बाद से पंचे ऊपर कर लेके जाओ आप, अरे तमाशा हो जा रहा साहब। ये हफ्ते में 2 वक्त भर जा रही साहब, ये ज़रा कुछ भी तवज्जो दीजिए, देखिए ज़रा, देखिए देख के बोलिए, आइए आप बोलिए। भर जा रही, बहुत तकलीफ़ हो जा रही, मुसल्लियों को भी तकलीफ़ हो जा रही भैया, ये क्या है, कंप्लेंट करने के बाद भी रिसीव नहीं कर रहे हैं, आ रहे हैं लोग, यहाँ दुकान वालों को, कस्टमर को तकलीफ़, लेडीज़ को तकलीफ़, मुसल्लियों को तकलीफ़, हर किसी को तकलीफ़ हो रही है और एक्सीडेंट भी हो जा रहा है। तो एक ने 10 वक्त बोल दिया, 10 वक्त समझाया, 10 वक्त कंप्लेंट करे, ना रिसीव कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे ज़रा देखो साहब, ज़रा प्रॉब्लम ये हो जा रहा है, हम लोगों को तकलीफ़ हो जा रही है, ना ग्राहक रह रहा है ना कारोबार के, ऐसे इफेक्ट हो जा रहा है हम लोगों को, देखिए। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर अहमद, ये आज सुबह से ऐसे यही हाल है, हर 8 दिन 4 दिन में क्या सो यही रहता जी, हर 4 दिन में क्या सो भरते रहता ये जी, नाक में दम हो जाता, कारोबार नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, पब्लिक को क्या सो प्रॉब्लम होता जी। ये मोरी का पानी रोज़ बह रहा, हर 8 दिन में 2 दिन में एक बार बहते रहता, तो इसका हल जल्दी से जल्दी निकालो। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद शफ़ी है मेरा नाम, यहाँ का यहीं अफजलगंज पे करता, 20 से 22 साल होगा मेरे को, ये पहले लाइन नहीं थी, डाल के 20 साल होगा, ये मेलवाना डाले जब से पानी आ रहा है यहाँ से, ये उस्मानिया के गेट से लेके अफजलगंज की मस्जिद तक आ रहा पानी। और एक बात क्या है, मैंने 2 महीने में खुद डेनिश का पानी जा रहा और लोगों को, कारोबार करने वालों को, आने जाने वालों को तकलीफ़ हो रही और मुसल्लियों को तकलीफ़ हो रही। खदीब मस्जिद है अफजलगंज की जामा मस्जिद, मैं अपील करता हूँ एक आप लोगों से। और एक बात क्या है, आके जरा देरी देखिए, एम एल ए साहब हमारे राजा सिंह साहब है, राजा सिंह साहब एक बार आके जरा दौरा करिए, दौरा करके देखिए क्या परेशानी है क्या नहीं, और आके एक बार देखिए आप लोग, देखे तो मसला मालूम होता। आ रहे हैं गाड़ी ले रहे हैं, पानी साफ कर रहे हैं, चले आ रहे हैं, और 2-3 महीने में खुद शुरू, हर 2 महीने में खुद भरा पानी, जरा आके देखिए आप लोग, उस्मानिया की मेन गेट से लेके अफजलगंज तक पहले नहीं जाता था पानी, ये एक करीब करीब 10-15 साल से जा रहा पानी, ये सुबह क्या शाम, कल शाम से शुरू हुआ तो सुबह ज़्यादा जा रहा पानी, और क्या है ये बहुत जा रहा पानी वो हिसाब से, और क्या है
आने जाने मुसनिया को परेशानी हो रही मस्जिद के, और मस्जिद के दरवाजों तक चले आ रहा पानी, वो तकलीफ हो रही लोगों को आने जाने, और क्या है बस।